रवीश कुमार के इस्तीफे पर जश्न मत मनाओ। जी हां, पापा की परियां और मीडिया के गुल्लू कालू आज एनडीटीवी से रवीश के इस्तीफे पर जश्न मना रहे हैं, मगर उन्हें पता होना चाहिए कि रवीश के इस्तीफे के साथ पापा की परियों के पापा निहायत ही कमजोर दिखाई दे रहे हैं। उससे यह प्रमाणित हो रहा है कि पापा के परियों के पापा इतने कमजोर हैं कि वो एक पत्रकार के सवालों का सामना नहीं कर सकते, इसलिए उसके लिए ऐसे हालात पैदा कर दिए गए जिसके जरिए वो इस्तीफा दे दे। गुल्लू और कालुओं को पता होना चाहिए कि अब तक टीवी की लाज बची हुई थी रवीश कुमार के सवालों के जरिए। आज भारतीय न्यूज चैनल्स भारतीय जनता पार्टी की चरण वंदना का महज एक माध्यम रह गए हैं, और ये गुल्लू कालू, ये पापा की परियां रवीश कुमार के इस्तीफे पर जश्न मना रहे हैं। ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, और चाहे पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल इलाहाबाद आजाद है तेरे। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि लोग क्या क्या कह रहे हैं इस मुद्दे पर, और फिर रवीश कुमार ने भी क्या संदेश दिया है वो भी मैं आपको बतलाऊंगा। सबसे पहले दोस्तों, ये पत्रकार आपके स्क्रीन पर, मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल का पत्रकार है, कह रहा है अब YouTube पर स्क्रीन काली होगी। आपको याद होगा कि आज से कुछ सालों पहले रवीश ने एक शो किया था जब पूरे एक घंटे स्क्रीन ब्लैक रहा था, और उस कार्यक्रम के जरिए उन्होंने बताया था कि पत्रकारिता में सवाल पूछना कितना मुश्किल हो गया है। आज मुकेश अंबानी का यह पत्रकार बता रहा है कि अब YouTube की स्क्रीन काली होगी। इत्तेफाकन ये वही आदमी है दोस्तों जिस पर दंगे भड़काने को लेकर FIR दर्ज है। इसकी किस्मत है कि भारत का विपक्ष कांग्रेस है, एक ढीली कांग्रेस। अगर कोई और पॉलिटिकल पार्टी होती या इसने भारतीय जनता पार्टी के लिए असहज करने वाली बात कही होती तो यह अब तक जेल में होता। इसे याद करना चाहिए कि सिद्दीक कप्पन के साथ क्या हुआ। सिद्दीक कप्पन जो हाथरस भी नहीं पहुंचा था और उसे आतंकवाद की धाराओं में जेल में डाल दिया गया, उसे बेल मिल गया है दोस्तों, वो अब भी जेल में है क्योंकि अब उसे प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने एक और केस में फंसा दिया है और सिद्दीक कप्पन अब तक जेल में है। ये जो स्क्रीन काली होने की बात कर रहा है, इसे पता होना चाहिए कि रोज प्राइम टाइम में आकर तुम अपने चरित्र को काला करते हो, पत्रकारिता को काला करते हो और इस देश के भविष्य को अंधकारमय बना रहे हो। तुम्हारे बच्चे होंगे ना, तुम्हें खुद से सवाल पूछना चाहिए कि जिस तरह की तुम पत्रकारिता करते हो, रोज जिस तरह से तुम जहर परोसते हो, उसका असर तुम्हारे अपने बच्चों के भविष्य पर क्या पड़ रहा है। अब एक और पत्रकार से मैं आपके दर्शन कराता हूं दोस्तों। ये क्या कह रहा है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। इसके बयान और किसी भाजपाई नेता के बयान में आपको कोई फर्क नहीं दिखाई देगा। आपके स्क्रीन पर, पूरी ऊर्जा नरेंद्र मोदी का करियर खत्म करने में लगाने वाले मसीहा कुमार का खुद का करियर खत्म हो गया है। सुना है इस्तीफा ले लिया गया है। मसीहा कुमार उसके चंपुओं और उसके चम्मच समर्थकों के लिए दुख की घड़ी जो 2014 से शुरू हुई थी उसके खत्म होने के संकेत दिख नहीं रहे। ईश्वर उन्हें शक्ति दे। पहली पंक्ति पर गौर कीजिएगा दोस्तों, कह रहा है पूरी ऊर्जा नरेंद्र मोदी का करियर खत्म करने में लगाने वाले मसीहा कुमार का खुद का करियर खत्म हो गया है। खुद का करियर खत्म हो गया है। पहले तो इस पत्रकार को पता होना चाहिए कि अगर कोई अपनी संस्था से इस्तीफा दे दे 27 साल बाद तो उसको लेके जश्न नहीं मनाना चाहिए। अगर तुम्हें लगता है कि टीवी से यह व्यक्ति यूट्यूब पर आ गया है और उसका करियर खत्म हो गया है तो उसका जश्न क्यों मनाना, वो खुशी की बात है। हिंदू धर्म में कर्म के सिद्धांत को याद रखो मेरे दोस्त, क्योंकि आज तुम किसी के करियर खत्म होने पर जश्न मना रहे हो। सोचो कर यही पलट के तुम्हारे पास आएगा तुम्हें कैसा लगेगा। मगर आप पहली पंक्ति पर गौर कीजिएगा, नरेंद्र मोदी का करियर खत्म करने चले। इन पत्रकारों को पता होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी का कोई करियर नहीं खत्म कर सकता, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का एक पूरा प्रचार तंत्र है जो उनके लिए काम करता है। यह ना भूलें कि 99.999% पत्रकार इस देश के नरेंद्र मोदी जी की चरण वंदना करते हैं, तो करियर एक पत्रकार कैसे खत्म कर सकता है बताइए। अब आपके स्क्रीन पर यह है मनोज मुंतशिर का ट्वीट।
ये कह रहे हैं कि इस्तीफा दे दिया है, अब यूट्यूब पर उत्पात मचाएंगे। सीधे तौर पर यहां रवीश कुमार पर हमला किया गया है। मनोज मुंतशिर वो गीतकार हैं जो आज से 2 साल पहले तक हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करते थे, मगर फिर इनको समझ आया कि सत्ता का गुणगान करेंगे और उनकी एजेंडा पर चलेंगे तो ज्यादा तरक्की करेंगे। आज से कुछ सालों पहले इन्होंने यह कहा था कि अगर इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया जाएगा तो ऐसा होगा मानो मेरी मां का नाम बदल दिया गया हो, मगर फिर इसे वक्त की नजाकत समझ आ गई। ये वो व्यक्ति है जो कहता था कि महाराणा राणा प्रताप का जनरल एक मुसलमान था और अकबर का जनरल एक हिंदू था, यानी कि हिंदू भाईचारे की बात यह करता था, मगर अब सत्ता की गुलामी में इसने अपने शब्दों के जरिए भी नफरत फैलाना शुरू कर दिया है। यह आदमी रवीश पर सवाल उठा रहा है। आलोचना या सवाल पूछना गाली नहीं होता। कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री ने कहा था कि मुझे रोज 2 से 3 किलो गालियां पड़ती हैं। प्रधानमंत्री के उस बयान और इस पत्रकार के बयान में क्या फर्क है? और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, यह वो देश है जहां सवाल पूछने पर पत्रकारों को परेशान किया जाता है। आपके सामने मैं उसकी जीती जागती मिसाल हूं। मुझ पर अनाप शनाप इनकम टैक्स के केसेस लगाए गए, मेरे परिवार तक को परेशान किया गया। यह बात अलग है कि हम वो केसेस जीत गए। मैं जिस मंच से आपसे बात कर रहा हूं यानी न्यूज क्लिक, 114 घंटे तक याद कीजिएगा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड पड़ी, हमारे पत्रकारों को परेशान किया गया, न्यूज क्लिक के पत्रकारों को परेशान किया गया। प्रबीर पुरकायस्थ जो हमारे प्रधान संपादक हैं, ये वो व्यक्ति है दोस्तों जो जब देश में आपातकाल था 1975 से 77 के बीच, प्रबीर पुरकायस्थ वो शख्स हैं जो उस वक्त भी जेल गए थे। न्यूज क्लिक का सिर्फ इतना गुनाह था कि हमने किसानों वंचितों की आवाज को आप तक पहुंचाया और इसका इनाम हमें ईडी और इनकम टैक्स के चेहरे के तौर पर, उनके इनाम के तौर पर मिला। यह पत्रकार जो आज की तारीख में रवीश कुमार के इस्तीफे को लेकर जश्न मना रहे हैं, इन्हें क्या पता पत्रकारिता क्या होती है? मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, इस मुद्दे पर रवीश कुमार का भी बयान आ गया है। हालांकि रवीश कुमार ने लंबा चौड़ा एक संदेश अपने नए YouTube चैनल पर दिया है, मगर ट्विटर पर वो क्या कह रहे हैं मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन्स पर। माननीय जनता, मेरे होने में आप सभी शामिल हैं, आपका प्यार ही मेरी दौलत है। आप दर्शकों से एक तरफा और लंबा संवाद किया है अपने YouTube चैनल पर, यही मेरा नया पता है। सभी को गोदी मीडिया की गुलामी से लड़ना है। आपका रवीश कुमार। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, पत्रकार का क्या काम होता है? क्या पत्रकार का काम निष्पक्षता होता है? क्या पत्रकार का काम जो सत्ता में ताकतवर व्यक्ति है उसकी चरण वंदना होता है? मैंने हमेशा कहा है निष्पक्षता जैसी कोई चीज नहीं है पत्रकारिता में, क्योंकि जब एक तरफ ताकतवर होता है और एक तरफ कमजोर होता है तो उसमें निष्पक्षता नहीं होती है। बीच का रास्ता आप नहीं अपना सकते। अगर हाथरस की गुड़िया के साथ अपमान हुआ है, उसके परिवार के साथ नाइंसाफी हुई है, तो मैं निष्पक्ष नहीं हो सकता। यहां पर मुझे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की सरकार से सवाल करना पड़ेगा, मैं उसके परिवार पर निशाना नहीं साध सकता और यहां पर मैं निष्पक्षता की दुहाई नहीं दे सकता। इत्तेफाकन दोस्तों, जो पत्रकार यह कह रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करियर खत्म करना चाहते हैं, कुछ दिनों पहले अपने चैनल में बैठकर यह एक झूठी खबर का प्रचार प्रसार कर रहा था जिसके लिए कायदे से इसको जेल जाना चाहिए था। और वो खबर क्या थी कि राजस्थान के अलवर में एक हिंदू का घर तो गिरा दिया गया, मगर एक मुसलमान के घर को छोड़ दिया गया, बुलडोज नहीं किया गया। सरासर झूठी खबर थी। अशोक गहलोत ने कोई एक्शन नहीं लिया इस पत्रकार के खिलाफ। इन्हें खुश होना चाहिए कि इन्हें आशीर्वाद मिल रहा है बीजेपी से और इनके सामने विपक्ष कांग्रेस जैसा है जो कोई एक्शन नहीं लेता है। और जब पुलिस इन पर दबिश डालने आती है तब इन्हें मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश पुलिस बचाती है। यह वही चैनल है टाइम्स नाउ नव भारत जहां पर नुपुर शर्मा ने हजरत मोहम्मद साहब के बारे में आपत्तिजनक बयान दिया था।
और उसके बाद देश की नाक अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कटी थी, जिसके चलते बीजेपी ने नुपुर शर्मा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखला दिया। ये चैनल हैं हमारे मुख्य धारा के न्यूज चैनल्स, जिनका काम सिर्फ समाज में जहर फैलाना है, सिर्फ प्राइम टाइम में नफरती डिबेट्स करना है और उसके अलावा कुछ नहीं। ये पत्रकारिता कहां है मुझे बताइए आप, ये कहां लोगों के मुद्दे को उठाते हैं, ये सिर्फ लोगों को भड़काते हैं। आज जब रवीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है तो आपको कुछ चीजों को समझना पड़ेगा दोस्तों। हिंदी न्यूज चैनल्स में तमाम जितने भी पत्रकार थे उनमें से एक रवीश कुमार की ही आवाज बची थी, जो जनता की आवाज और जनता के मुद्दों को उठाते थे और सरकार से सवाल किया करते थे। आज वो आखिरी आवाज भी खामोश हो गई न्यूज चैनल्स में। यह है दुर्भाग्य न्यूज चैनल्स का। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो भाजपा के समर्थक या अंधभक्त आज जश्न मना रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवालों से इतना डरते हैं? अरे रवीश या मेरे जैसे पत्रकार तो उनसे सीधे सवाल भी नहीं कर रहे हैं, हम तो अपने मंच पर बैठकर आपसे सवाल करते हैं, फिर भी आप हमसे डरते हैं सवालों से? ये कैसा 56 इंच का सीना है, ये कैसी राजनीति है, ये कैसा निर्णायक राजनेता है जो पत्रकारों के सवालों से बौखला जाता है? और जब वो पत्रकार अपनी संस्था से इस्तीफा देता है तो आप जश्न मनाते हैं? मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा मेरे साथ क्या हुआ था। जब मैं एक न्यूज चैनल में काम कर रहा था, मेरा गुनाह सिर्फ इतना था कि सुल्तानपुर में एक व्यापारी पर गोली चलाई जाती है और मैं अपने चैनल में यही सवाल करता हूं कि आज से 2 दिन पहले लखनऊ में बैठ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम व्यापारियों को आश्वासन दे रहे थे कि आइए उत्तर प्रदेश में और निवेश कीजिए, और अब देखिए सुल्तानपुर में एक व्यापारी पर गोली चलाई जा रही थी। मेरा इतना कहने पर मुझे 15 दिन की छुट्टी पर भेज दिया जाता है। तो आपको क्या लगता है मैं वापस उस संस्था में जाऊंगा? सवाल ही नहीं है, क्योंकि मैं जानता था कि जिस तरह की पत्रकारिता मैं करना चाह रहा था उसकी बिल्कुल भी जगह न्यूज चैनल्स में नहीं बची है। रवीश भी NDTV में वो पत्रकारिता इसलिए कर पा रहे थे क्योंकि ये शख्स डॉक्टर प्रणॉय रॉय उसके सर्वे सर्वा हुआ करते थे। अब उनकी भी उल्टी गिनती शुरू हो गई और जल्द ही वो NDTV से इस्तीफा दे देंगे, हो सकता है कुछ ही दिनों में, क्योंकि RRPR होल्डिंग्स के बोर्ड से वो पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। तो कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि वो आखिरी स्तंभ जो सत्ता से सवाल करता था वो भी ढह गया है। इन लोगों ने अपने अंधभक्तों को इस तरह से ब्रेन वॉश कर दिया है कि आज की तारीख में प्रधानमंत्री मोदी से सवाल करना यानी देश के साथ गद्दारी करना, ये गलत है दोस्तों, ये सरासर गलत है। जब मोरबी पुल हादसा होगा तो वहां की सरकार से सवाल किए जाएंगे, बीजेपी से सवाल किया जाएगा कि ओरिवा ग्रुप का जो प्रमुख है जयसुख पटेल, जिसने मोरबी पुल का पुनर्निर्माण किया था, वो अब तक गायब क्यों चल रहा है? ये सरकार से सवाल होगा, ये सवाल होगा मोदी जी से कि मोरबी पुल हादसे को संबोधित करने की बजाय आप मंच पर खड़े होकर चुनाव आचार संहिता की धज्जियां क्यों उड़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री से सवाल होगा कि जब गालवान घाटी में हमारे 21 जवान शहीद हो जाते हैं तो आप खामोश क्यों बने रहते हैं। प्रधानमंत्री से सवाल होगा कि आपकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह क्यों कहा कि अगर कोरोना की वैक्सीन से उसके किसी साइड इफेक्ट से किसी की मौत हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार के कंधों पर नहीं डाली जा सकती क्योंकि वैक्सीन एक तीसरी पार्टी ने बनाई थी। ऐसे कौन बोलता है दोस्तों? और मुझे आपको बतलाने की जरूरत नहीं है कि थैंक यू मोदी वैक्सीन के लिए, मुफ्त वैक्सीन के लिए शुक्रिया मोदी जी को लेकर भाजपा ने 18 करोड़ खर्च दिए थे सिर्फ पोस्टर्स लगाने को लेकर। आपके वैक्सीन के सर्टिफिकेट में प्रधानमंत्री की फोटो लगती है तो क्या उनसे सवाल ना किया जाए कि आखिर अदालत में सुप्रीम कोर्ट में आप ये क्यों कह रहे हैं कि अगर वैक्सीन को लेकर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो उसका दोष मोदी सरकार पर नहीं माना जा सकता। कितनी अजीबोगरीब बात है दोस्तों, इन्होंने पत्रकारिता के मायनों को पलट दिया है। हकीकत यह है कि मैं आपको एक नहीं आधा दर्जन मिसालें दे सकता हूं
प्राइम टाइम न्यूज एंकर्स की, जो अपराधी से कम नहीं है। एक पर एफआईआर है, दूसरे पर होना चाहिए था। एक तिहाड़ जेल में 21 दिन बिताकर प्राइम टाइम करता है। एक न्यूज चैनल का प्रमुख वो है जिसने लिफ्ट के अंदर महिला पत्रकार के साथ बदसुलूकी की थी और उसी चैनल ने उसे निकाला था, बाद में उसे नौकरी पर रख लिया। उसी चैनल में मी टू आंदोलन के दौरान एक लड़की ने गंभीर आरोप लगाए थे एक पत्रकार पर। उसी चैनल में वो पत्रकार अब भी काम कर रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं ना, ये तमाम पत्रकार अपराधियों से कम नहीं है, आपराधिक सोच से कम नहीं है, मगर ये लोग प्राइम टाइम में हैं। इन लोगों को आप लगातार देखते हैं और अपने ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ाते हैं। ड्राइंग रूम की शोभा इसलिए क्योंकि यही नफरत उस इडियट बॉक्स से आपके घरों में प्रचार प्रसार होता है और उसका असर आपके बच्चों पर पड़ रहा है और आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को लगातार बर्बाद कर रहे हैं। अब न्यूज चैनल ना देखने की एक और वजह बन गई है, क्योंकि एकमात्र आवाज जो लोगों के मुद्दों को न्यूज चैनल्स के जरिए रखता था, उस आवाज को न्यूज चैनल्स में खामोश कर दिया गया है और अब वो यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद रहेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।